नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस हैंड की रिकवरी के बारे में। पैरालिज्ड हैंड का एक्सरसाइजेस क्या क्या करवानी चाहिए और कैसे करवानी चाहिए ताकि पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनका हाथ वापस से काम करना चालू कर दे, क्योंकि पैरालिसिस में हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हाथ की रिकवरी सबसे स्लो होती है और सबसे लास्ट में आती है। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा हाथ पर ही ध्यान देना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका जो हैंड है वो पैरालाइज्ड फ्लैसिड पैरालिसिस में है या स्पास्टिक पैरालिसिस में है, क्योंकि दो तरह के पैरालिसिस होते हैं। जो स्पास्टिक पैरालिसिस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, हाथ की उंगलियां, हाथ का जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो उसमें खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, हाथ बिल्कुल ढीला होता है। उसको भी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करने चाहिए कि आपका बाइसेप्स जर्क, सुपिनेटर जर्क और रेक्यूरेडियलिस जर्क कैसे आ रहा है, आपका हाइपर रिफ्लेक्सिस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको हैमर होना चाहिए और हैमर से आप जब उस टेंडन में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक जर्की मूवमेंट्स आपको लिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो हैंड है वो अभी भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका एक्सरसाइजेस होनी चाहिए फ्लैसिड पैरालिसिस है। इसमें देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि आपका हैंड, जो पेशेंट का हैंड है वो बिल्कुल लूज है, उंगलियां बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं और कुछ भी टाइट नहीं है, बिल्कुल फ्लैसिड है। तो आइए हम दोस्तों इसमें शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेशेंट की हैंड को ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है और उसका जो रिस्ट है उसको फिक्स कर दीजिए, जो कि प्रॉक्सिमल जॉइंट है। फिर आप सभी चारों उंगलियों को ऐसा सीधा पकड़ करके जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप करीब 20 बार इन सारी उंगलियों को नीचे ऊपर ऐसा घुमाते रहिए। शुरू में फ्रेंड्स आपको लगेगा कि ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन 10-15 दिनों के बाद इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइजेस करवाते रहनी है, करीब दिन में 2 बार करना है फ्रेंड्स ऐसा। सवेरे भी आप कर सकते हैं और शाम को भी ऐसा करवा सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा रिस्ट का मूवमेंट, पूरे रिस्ट को ऐसा पकड़ लीजिए जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, तो उसके बाद आप रिस्ट को मूवमेंट करवाइए 20 बार, इधर और इधर ऐसा घुमाते रहिए 20-20 बार, और देखिए कि कोई पेशेंट को कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है तो उस बीच बीच में पूछते रहिए, फीडबैक लेते रहिए। उसके बाद आप फिर से ऐसा पर्टिकुलर सिंगल उंगलियों को भी मूवमेंट करवा सकते हैं। पहले हम 4 उंगलियों को एक साथ करवा रहे थे, अब हम सिंगल उंगलियों का ऐसा पैसिव मूवमेंट करेंगे। पैसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो थेरेपिस्ट होता है वो मूवमेंट करवाता है, और एक्टिव मूवमेंट का मतलब पेशेंट हम खुद, अब पेशेंट तो कर नहीं पा रहा है इसीलिए हमें पैसिवली सभी उंगलियों का मूवमेंट करवाना है। तो ये सारी ऐसा एक एक उंगली का पकड़ के 20-20 बार मूवमेंट ऊपर नीचे करते रहिए। उसके बाद ये लास्ट वाली फिंगर बचती है, तो इसलिए आपको 3 फिंगर्स को पकड़ लीजिए और ये लास्ट वाली फिंगर को मूवमेंट करवाइए। ऐसा आपको 20-20 बार हर एक मूवमेंट में करवाते रहना है। शुरू में पेशेंट को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना है आपको कि नहीं आपका मूवमेंट ज़रूर आएगा, और धीरे धीरे वो आता भी है फ्रेंड्स। इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये आपका मूवमेंट आएगा ज़रूर, और इस पर फोकस करना है। जितना आप फोकस करेंगे और जितना आप मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे इस हाथ से, उसमें उतना ज़्यादा रिकवरी फास्ट होगी फ्रेंड्स। एक बोबात साइंटिस्ट हैं जो कि थेरेपिस्ट भी थे और डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने ये बताया था कि न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी इसमें कैसे काम करती है। जो पेशेंट होता है वो अपने अफेक्टेड हैंड या अफेक्टेड साइड को निगलेक्ट कर देता है। उन्होंने कहा है कि आप जितना ज़्यादा अफेक्टेड हैंड से एक्सरसाइजेस करवाएंगे, मूवमेंट लेंगे, उतना जल्दी उसमें रिकवरी फास्ट होगी। तो ऐसे पहले आप सिंगल मूवमेंट करवा रहे थे, अब आप ऐसा डबल मूवमेंट भी करवा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये मूवमेंट होगा फ्रेंड्स। तो ऐसे आप हर एक उंगलियों को 20-20 बार मूवमेंट करवाना है, और बीच में उसको थोड़ा सा रेस्ट भी देना है पेशेंट को, ताकि उसमें थकान ना हो। दर्द के बारे में तो पूछते ही रहना है बीच बीच में। फिर जब आपको थंब का मूवमेंट करवाना है तो फिंगर्स को फिक्स कर दीजिए, फिंगर्स को एक साथ पकड़ लीजिए, उसके बाद थंब का मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब अंगूठे का मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए।
इसमें भी आपको 20 बार मूवमेंट कराना है इधर और इधर, और फिर आपको ऊपर नीचे भी थंब का मूवमेंट करवाना है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ऊपर नीचे। पहले हम साइड में मूवमेंट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी मसल काम नहीं कर रही है, तो उसको हमें असिस्ट करना है मूवमेंट वापस ले आने के लिए। फिर इसमें आप कर सकते हैं फ्रेंड्स फिंगर्स का एडक्शन और एबडक्शन। तो अब पेशेंट तो नहीं कर पा रहा है, आपको ही पैसिवली उसको करवाना है, और पेशेंट को बोलना है कि इसको देखते रहे इस मूवमेंट को, और अपने से भी कोशिश करे, ताकत लगाए अंदर से। तो उसमें मोटिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही सभी फिंगर्स के बीच में एडक्शन अबडक्शन मूवमेंट करवाना है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी मूवमेंट करवाना है, फिर रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करवाना है, सुपिनेशन प्रोनेशन का मूवमेंट करवाना है, फिर लास्ट में हम लोग आपको एल्बो का भी मूवमेंट बताएंगे, एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर्स का भी बताना है। तो ऐसे सब मूवमेंट, जितने भी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं आपके हैंड के, वो सारे मूवमेंट्स आपको करवाते रहना है। दिन में 2 बार कराना है, सवेरे और शाम। हर एक मूवमेंट को 20-20 बार कराना है, और 20-20 बार करके 2 सेट में करना है। अब फ्रेंड्स अगर रिस्ट का मूवमेंट कराना है, तो ऐसे ही आपको रेडियो अल्नर को आप फोर आर्म को फिक्स कर दीजिए, और रिस्ट को ऐसा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट करवाइए। हर एक मूवमेंट एक रिदम में होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहा है और कोई स्लो मूवमेंट हो रहा है। तो जितना रिदम बन पाए उतनी ही रिदम में आपको कंटिन्यूसली मूवमेंट कराना है। इस मूवमेंट को फ्रेंड्स हम लोग रेडियल डिविएशन और अल्ना डिविएशन कहते हैं। ये भी मूवमेंट आपको करवाना है। इस मूवमेंट से फ्रेंड्स आपके जो हैंड में जो ग्रिपिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो हम लोग हाथ को वापस रीएजुकेट करते हैं उसमें भी हेल्प करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, इसमें भी आपको 20 बार करवाना है। गाइस इस प्रकार से आपको रोटेशनल मूवमेंट भी करवाने हैं रिस्ट को, इसमें भी आपको फोर आर्म को फ्लेक्स कर देना है, और साथ में आपको रिस्ट को पूरा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करीब 20-20 बार ऐसा मूवमेंट करवाना है। पेशेंट को पूछते रहना है कहीं पर भी ऐसा नस खींचने वाला या स्ट्रेच पेन ऐसा हो रहा है या कुछ हो रहा है क्या, अगर कोई भी अननेसेसरी और अनवांटेड पेन हो रहा है तो आपको उसी टाइम पे ये मूवमेंट को रोक देना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पेशेंट अगर थक जाता है तो वो भी पूछना है कि अगर आप थक गए हो, तो उसमें भी आपको रेस्ट दे देना है पेशेंट को। और देखिएगा आपका जो हैंड प्लेसमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी ऐसा पकड़ लेना है और आपको मूवमेंट करना है, क्योंकि उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आप प्रॉपर देख सकते हैं किसी भी लिगामेंट इंजरी और मस्कुलर इंजरी ना हो, क्योंकि अब पेशेंट का तो मूवमेंट हो नहीं पा रहा है तो उसको पता भी नहीं चल पाता है कई बार कि इसकी इंजरी हो गई है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से और स्लोली मूवमेंट करवाना है। झटके वाले मूवमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, जर्की मूवमेंट नहीं करिएगा। और इसमें ध्यान देना है पेशेंट को कि जब भी आप मूवमेंट करवा रहे हो तो कुछ ऐसा मूवमेंट मत करवाइए कि वो पेनफुल हो, क्योंकि पेन वाले मूवमेंट पेशेंट जल्दी वो रेफर नहीं करेगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि जब पेशेंट को एजुकेट करते रहना है कि वो जब भी आपसे एक्सरसाइजेस करवा रहा हो तो पूरा फोकस अपने हाथ पे ही दे और उस मूवमेंट पे दे जो आप करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी फिंगर्स का मूवमेंट करवाना है, रिस्ट का मूवमेंट करवाना है, थंब का मूवमेंट करवाना है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन सारे प्रकार का मूवमेंट आपको करवाना है, और एक रिदम में पर्टिकुलर रिदम में मूवमेंट करवाना है। उसके बाद हम एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी करेंगे, और सुपिनेशन और प्रोनेशन फोरआर्म का वो वाला भी मूवमेंट करेंगे। सारे मूवमेंट हमें आपको करना है एक रिदम में, और पेशेंट को कहते रहना है कि वो भी हमारे साथ ध्यान दे करके उस मूवमेंट पे फोकस करे और साथ पे इसमें काम करते रहें। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इससे धीरे धीरे आपके हाथ में पेशेंट के हाथ में पावर आएगी, उसके मूवमेंट को याददाश्त मिलेगी और वो वापस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना और किसी को 3 महीने भी लगते हैं, लेकिन आपको ये मूवमेंट जारी रखना है इस मूवमेंट को, या फिर फिजियोथेरेपी को बीच में स्टॉप नहीं कर देना है फ्रेंड्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप स्टॉप कर देंगे तो आपका मूवमेंट रुक जाएगा। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, इस मूवमेंट से आपके एल्बो में आपकी कोहनी में ताकत आएगी, और साथ में आपका एल्बो भी काम करना स्टार्ट कर देगा, जो आपका
ताकत कम आती है या कुछ भी भारी वजन या कुछ भी वजन उठाने के लिए ये मसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगी मूवमेंट ले आने में। इसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट कहते हैं। इसको भी 20 बार आपको करवाना है और एक रिदम में करवाना है ताकि उसमें पेन भी ना हो और वो मूवमेंट री एजुकेशन भी हो। इस मूवमेंट को हम लोग सुपिनेशन और प्रोनेशन करेंगे। तो इसमें आपको एल्बो को फिक्स कर देना है और देख सकते हैं आपकी मैं कैसे हैंड प्लेसमेंट करके पेशेंट को सुपिनेशन और प्रोनेशन का मूवमेंट करवा रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा फ्लेक्स भी करवा सकते हैं ताकि आपका मूवमेंट और स्मूथ आ सके। स्मूथ मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे पेशेंट को ईजीनेस होती है और मूवमेंट याद करने में भी आसानी होती है। बीच बीच में आपको रूट्स अप्रोच भी अपना सकते हैं। रूट्स अप्रोच में क्या होता है कि आपको एक रूट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ये अप्रोच दिया था। इसमें आपको पेशेंट को स्ट्रोकिंग देनी है स्पीड में तो उनका मूवमेंट वापस आ सके और वो मसल्स में वापस से पावर जनरेट हो पाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैरालिसिस के पेशेंट्स को। इसमें फिर आप टच करके भी देख सकते हैं कि पेशेंट को कोई सेंसरी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आपके छूने से या आपके मूवमेंट करवाने से पेशेंट को मालूम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठंडा गर्म का मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप पिंच करते हैं तो पता चल रहा है नहीं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 15 दिन हो गए इस पेशेंट को और 15 दिनों के बाद हम इनको बोलते हैं वापस ऊपर उठाने के लिए, तो पेशेंट का मूवमेंट देखिए वापस आना स्टार्ट हो गया है। भले ही धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है लेकिन आप देख सकते हैं, हम अगर रिस्ट बोल रहे हैं तो रिस्ट भी उठा रहे हैं और फिंगर्स ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, मुट्ठी बंद करने के लिए बोल रहे हैं तो भी बढ़िया से ऊपर उठ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक पैरालिस्ट पेशेंट के लिए कि वो अपनी मर्जी से अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रहे हैं। और बहुत अचीवमेंट हमारा, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे फिजियोथेरेपी से भी रिलेटेड है। ये अचीवमेंट कई लोगों को एक महीना भी लग जाता है, किसी को दो महीने भी लग जाता है, किसी को 15 दिन में भी आ जाता है। तो इसमें हम लोगों को हार नहीं माननी है फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूसली मूवमेंट करवाते रहना है और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी और ये हाथ बढ़िया वापस पूरी तरीके से रिकवर भी होगा और अच्छे से काम भी करने लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये फ्रेंड्स फिंगर एक्सरसाइजर है, इसमें ये भी आप यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। ये भी आप देखिए कि पहले कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता था इस पेशेंट को और अब देखिए कितना अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।